एक केंद्र शासित प्रदेश है और सीट है टोटल 59। तो सबसे पहले हम वो आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं जिनके लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब है, पंजाब में भी सभी 13 सीटों पर आज ही के दिन वोटिंग हो रही है। बिहार की 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 8 सीटों के लिए वोट डाल रहे हैं आज। इसके अलावा झारखंड की 3 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं जिसके लिए आज वोटिंग कर रही है जनता और चंडीगढ़ एकमात्र एक यूनियन टेरिटरी है आज जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर 59 सीटें हैं। अब इन 59 सीटों में कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं, कौन कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं, उससे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो नाम आता है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है जो वाराणसी से एक बार फिर से चुनाव मैदान में है। पिछला चुनाव बड़े अंतर से जीता था, एक बार फिर से वो वाराणसी सीट से ही चुनाव मैदान में है और आज उनकी भी किस्मत का फैसला हो रहा है। ईवीएम में जो है वोटर्स वोट कर रहे हैं। दूसरे हैं मनोज सिन्हा जो कि गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज सिन्हा के बाद अगर हम बात करें तो कई ऐसे बड़े उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर है। अनुप्रिया पटेल की हम बात करते हैं, एनडीए में सहयोगी हैं बीजेपी की, मिर्जापुर सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। अनुप्रिया पटेल अपना दल के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं, अपना दल की अध्यक्ष भी हैं अनुप्रिया पटेल। महेंद्रनाथ पांडे की हम यहां पर बात करते हैं। महेंद्रनाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं और चंदौली लोकसभा सीट से इस बार चुनाव मैदान में हैं। उनके साथ साथ यूपी में बीजेपी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है क्योंकि वो खुद भी कैंडिडेट हैं। अब जो अगले उम्मीदवार हैं रवि किशन गोरखपुर सीट से उम्मीदवार हैं। गोरखपुर सीट जो कि हमने देखा था कि उपचुनाव में छीन ली थी बीजेपी से, एक बार फिर से जिम्मेदारी है रवि किशन के ऊपर। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का जब शासनकाल था राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो कुशीनगर लोकसभा सीट से इस बार चुनाव मैदान में हैं। मीरा कुमार, अब हम बिहार की ओर बढ़ते हैं, यूपी से बिहार की ओर बढ़ रहे हैं, सासाराम सीट से चुनाव लड़ रही हैं और मीरा कुमार इस सीट से दो बार पहले एमपी रह भी चुके हैं लेकिन लास्ट इलेक्शन मीरा कुमार जो हैं वो हार गई थी। इस बार उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि फिर से अपनी सीट को वो जीत पाएं। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से चुनाव लड़ रही हैं, लालू यादव की बेटी हैं और वो इस तरह से पोर्ट्रेट कर रही हैं जैसे कि लालू यादव की विरासत को फिर से जिंदा करना चाहती हैं। इसके अलावा अश्विनी चौबे बक्सर सीट से हैं चुनाव में, मंत्री रहे हैं वो मोदी सरकार में अश्विनी चौबे और बक्सर सीट एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा आरके सिंह आरा सीट से पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो पहला इलेक्शन था उनका, एक बार फिर से उनको टिकट दिया गया है और आरा सीट से आज वो भी एक बड़े कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से चुनाव मैदान में हैं और काराकाट सीट आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित है, इसके थोड़ा पहले वहां पर वोटिंग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद पटना साहिब सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला यहां पर बहुत ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि अगले दिग्गज का जो नाम मैं बताने जा रहा हूं वो भी इसी सीट पर है और वो है शत्रुघ्न सिन्हा। तो ये बहुत जबरदस्त जो मुकाबला है वो होने जा रहा है दोनों के बीच में, रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में ये मुकाबला इस सीट से होने वाला है। ये अब जो अगली सीट है वो एकमात्र यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ सीट, जिससे किरण खेर बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। किरण खेर लास्ट इलेक्शन जीती थी, इस बार उनके पति अनुपम खेर ने भी उनके लिए जमकर प्रचार किया है और आज उस सीट पर यूटी पर यूनियन टेरिटरी पर वोट डाले जा रहे हैं किरण खेर के लिए। अब बढ़ते हैं पंजाब की ओर, गुरदासपुर की बात करते हैं। सनी देओल एक स्टार चेहरा बीजेपी ने उतारा है गुरदासपुर से। आपको बता दें कि गुरदासपुर से बीजेपी की ओर से पिछली बार जो चुनाव जीते थे वो भी स्टार थे विनोद खन्ना, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई, फिर कांग्रेस के खाते में चली गई। अब बीजेपी में वापस उसको लाने की जिम्मेदारी सनी देओल के कंधों पर डाली गई है। हरसिमरत कौर बादल जो कि बठिंडा सीट से चुनाव मैदान में है, बादल परिवार की बहू हैं हरसिमरत कौर बादल, इस सीट से जीत के रही हैं पहले और इस बार फिर से वो बठिंडा सीट से जीत के दावे कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की हम बात करें, वो अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में हैं, उनके ऊपर अमृतसर सीट को जीतने की जिम्मेदारी इस बार बीजेपी ने डाली है। इसके अलावा अगर हम अगली सीट की हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर लंबे वक्त से हमीरपुर सीट से सांसद रहे हैं और चौथी बार उनको फिर से टिकट दिया है, चौथी बार फिर से उनको बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस सीट को फिर से जीतने की। मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुआ करते थे मनीष तिवारी, और उनको आनंदपुर साहिब सीट से टिकट दिया गया है, वो इस सीट से चुनाव मैदान में है। और अब अगर हम बात करें तो कौन
2014 का क्या जनादेश था इन सीटों पर, जो 59 सीटें हैं ना जिसके लिए आज इलेक्शन हो रहा है, इसमें 2014 पर क्या स्थिति थी। बीजेपी की सबसे पहले मैं बात करता हूं, इन 59 सीटों में से 36 सीटें पिछली बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी, यानी कि जो मेजोरिटी शेयर था वो इन सीट्स में वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। इसके अलावा जो नंबर टू पर रही थी इन सीटों में वो टीएमसी रही थी। टीएमसी आज कुल 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है, जो पश्चिम बंगाल में जो 9 सीटें हैं ये सभी 9 की 9 सीटें टीएमसी के पास में रही थी। इसके अलावा बात करूं मैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास 3 सीटें रही थी और बाकी अदर्स उनके पास 11 सीटें रही थी इन 59 सीटों में से। और तो कुल 7 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी और 59 सीटें हैं, और चुनाव अभी चल रहा है, वोट अभी चल रहा है।